आपले सरकार रजिस्ट्रेशन, तो महाराष्ट्र के सरकार ने इस योजना को निकाला ताकि प्रमाण पत्र और अन्य सेवाएं के लिए दाखिल करने की जो प्रक्रिया है उनको बहुत आसान बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार आपले सरकार पोर्टल लेकर आई है, जिसके माध्यम से नागरिक अपना पंजीकरण करा सकेगा और अपने आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेगा। बेनिफिट्स ऑफ आपले सरकार पोर्टल, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला है, नागरिकों के दरवाजे पर सेवाएं प्रदान की जाएगी, मतलब कि जो भी नागरिक है उनके दरवाजे तक आके सेवाएं प्रदान की जाएगी। दूसरा है, समय बचाने वाला, मतलब कि समय इससे आपका बचत होगा। तीसरा है, सेवाएं का लाभ उठाने के लिए आकलन करना आसान होगा, मतलब आपको लाभ उठाने के लिए आकलन करना आसान हो जाएगा। चौथा है, क्विक सर्विस। क्विक सर्विस मतलब कि आप इस पोर्टल का फ़ायदा तुरंत ले सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करने चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो इसमें से लिखा हुआ है एनीवन, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ, मनरेगा जॉब कार्ड या RSBY कार्ड। और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपको एनीवन इसमें से कोई एक लगेगा, राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, टैक्स रिसिप्ट। तो आप यहां से देख लीजिए इसमें से कोई एक लगेगा। उसके बाद आपको यहां रजिस्टर करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना होगा, aplesarkar.mahaonline.gov.in। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपका ऐसा होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आप यहां से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, यहां से मराठी भी लैंग्वेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको होम पेज में आपको यहां पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज जो खुलेगा उसमें आपका यहाँ दो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। तो आपको ऑप्शन 1 में क्लिक कर देना है। ऑप्शन 1 में क्लिक करने के बाद वेरीफाई योर मोबाइल नंबर यूजिंग OTP एंड देन क्रिएट यूज़र ID एंड पासवर्ड। तो आपको पहले ID क्रिएट करना होगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन में, उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना, मोबाइल नंबर देना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका मोबाइल में पासवर्ड आएगा उसको यहाँ भर देना है और अपना यूज़र नेम यहाँ पे भर लेना है। इसको भरने के बाद आपका यहाँ पे पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड नीचे पूछा जाएगा, बना लेना है आपको नया पासवर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, फिर यहाँ फुल नेम मराठी में है, फिर यहाँ मराठी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर आप इंग्लिश में भरेंगे तो ऑटोमेटिक मराठी में आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और एज यहाँ से भर लेने के बाद रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद उससे पहले आपको इस बॉक्स पे टिक करना होगा, फिर रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका देखिए यहाँ थैंक्स यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर, तो आपको यहाँ रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर से होम पेज में जाने के बाद न्यू रजिस्टर में जो जाने के बाद जो पेज खुला उसमें जाना है और सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट यहाँ एप्लीकेंट डिटेल्स पूछा गया है, तो आपका सॉल्यूशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपका यहाँ नाम इंग्लिश में भरना है, मराठी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर फादर्स नेम यहाँ इंग्लिश में भरना है, मराठी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर फादर का सॉल्यूशन यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ अपना भरना है, एज, जेंडर और ऑक्यूपेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको एप्लीकेंट एड्रेस पूछा गया है एज़ पर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको अपना यहाँ एड्रेस भरना है, तो एड्रेस आप इंग्लिश में भरिए, यहाँ मराठी वाला जितना ऑटोमेटिक भरते जाएगा। तो स्ट्रीट भर लेना है, फिर सेक्शन यहाँ भरना है, बिल्डिंग, लैंडमार्क, आपको घर के सामने जो लैंडमार्क है वो बताना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तालुका, उसके बाद विलेज और पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड भरना है, विलेज अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे आपको यहाँ तीसरा नंबर में मोबाइल नंबर और यूज़र नेम वेरिफिकेशन पूछा गया है, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे I am not Robert वाला में टिक करना है और सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपके मोबाइल में OTP आएगा तो उसको यहाँ पे भर देना है। फिर आपका जो पैन नंबर है उसको यहाँ भरना है, अपना नाम यहाँ दीजिए, ईमेल आईडी में यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ तो आप इसको भर भी सकते हैं नहीं भी। उसके बाद जो आप पासवर्ड यहाँ पे बना लीजिए और कन्फर्म पासवर्ड कर लीजिए, और यहाँ बताया गया पासवर्ड मस्ट कंटेन 1 digit from 0 to 9, तो आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद आप नीचे आइएगा तो अपलोड फोटोग्राफ बोला गया, तो अपलोड आपको यहाँ पे फोटो चूज फाइल में जाके
अपलोड यहाँ फाइल करना है, तो आपका फ़ोटो का जो हाइट है वो 200 से 212 होना चाहिए, और विथ है जो 160 से 160 होना चाहिए। और यहाँ बताया गया है फ़ोटो का साइज 5 KB से 20 KB होना चाहिए, 20 KB से बड़ा नहीं ना 5 KB से छोटा। तो उसके बाद फोटोग्राफ फॉर्मेट शुड बी JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, PNG फॉर्मेट में नहीं, JPEG फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पे विथ बताया गया है और यहाँ पे हाइट बताया गया है। फिर यहाँ भर लेने के बाद, अपना फ़ोटो लगा लेने के बाद, आप नीचे आएगा तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पूछा है, एनी वन यहाँ से पूछा गया, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, टिक मार दीजिए उसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, एनी वन एड्रेस के लिए आपको एक ठो कोई किसी में टिक मार लेना। उसके बाद नीचे आइएगा तो आई डिक्लेयर द डेट अबव मेंशन, तो इसमें आपको एक्सेप्ट कर लेना, टिक मारना है, और रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा।